इज स्टिल वनस्थली, बिल्कुल बॉटम ऑफ दी हार्ट्स। ठीक है, जो भी वनस्थली ब्लॉग बहुत दूर है तो हम लोग अभी जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, वापस जा रहे हैं हम गाड़ी ले। बाय बोलो, बाय बाय बाय। इसके अंदर आलू का पराठा है भैया, बहुत तेज भूख लगी है, अभी पहले खाते हैं। हाँ हाँ, और इसकी टंग कौन से कलर की है ये? अरे वाह, और ये मुंह कौन से कलर का है इसका? गाइस वेलकम बैक ऑन राहिल मुजाहिद व्लॉग्स। तो भाई कैसा लगा आप सबको शादी का ट्रेलर? तो वन बाय वन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम लोग शादी की पूरी वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है सैटरडे और अभी हम लोग सुबह निकल रहे हैं कहीं बाहर। अब वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। क्या बना लिया आज नाश्ते में? अरे यार ये ट्रेजेडी के बाद जो बन पाया वो बनाया, क्योंकि देखो मैंने इसको क्या किया था। नहीं अच्छा लग रहा है बट कोई बात नहीं, टेस्टी है, ऐसे खाने में ऐसा नहीं है कुछ भी। इसको बताओ मैंने कैसे बनाया था। पोहे को पीस के और मैंने बेसन और पोहा और बाकी सारे मसाले मिक्स कर दिए थे, और मेरा इरादा था कि मैं इडली फ्राई बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने लेकिन सही लग रहा है, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बाय बोलो, बाय बाय बाय। अरे तो बाय तो बोल दो, जाए हम लोग। अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट गाड़ी से, क्योंकि हम जा रहे हैं राहिल के कॉलेज। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कलेक्ट करने हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हो रहे हैं 12:30, बहुत लेट हो चुके हैं निकलने में, और थोड़ा दूर भी जाना है तो हमें टाइम लग जाएगा। ब्रेकफास्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, आपने देखा होगा मैंने मस्सा वो जो वहाँ ट्राई किया था, यानी क्या ही बन गया था। ठीक है, लेकिन हाँ स्वाद था, जैसा भी बनाओ बहुत अच्छा था। अब बस वहाँ पहुँचते हैं और आपसे वहाँ पहुँच के मिलते हैं। रास्ते में कुछ भी करेंगे तो आपको दिखा देंगे। जबरदस्त गर्मी हो रही है ना, इतने पसीने पसीने हो चुके हैं कार में। अल्हम्दुलिल्लाह एसी वगैरह सब चला। अच्छा अभी विंडो खोल दी, एसी चल रहा है खुली हुई कार में। हमने अभी एसी बंद कर दिया था क्योंकि हम बस पहुंचने वाले हैं, और इतनी तेज गर्मी है। नहीं रही अक्टूबर में तो वो हो जाती है ना तेज गर्मी यार। नया शर्ट, टी शर्ट, न्यू पिंच, स्मार्ट लग रहे हो यार। कितनी खूबसूरत जगह लग रही है ये। कहाँ गए हम? जंगल, जंगल। बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त। ये होता है तरीका, दोनों तरफ पेड़ लगा दो। स्मार्ट लग रहे हो यार, कितना बढ़िया टी शर्ट दिलाया स्मार्ट यार। ये लो पहले बताओ कितना बढ़िया टी शर्ट दिलाया। अच्छा लग रहा है ना? चलो चलते हैं अंदर, और जिस काम से आए वो काम करते हैं पहले। कम कम कॉलेज में ज्यादातर यही होता है, बहुत सारी बिल्डिंग होती है और आप घूम जाते हो भाई कहाँ जाना है। तभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे। नाउ वी हैव टू गो दूसरी वाली बिल्डिंग। अभी वहाँ चलें क्या? बंद है वो, बंद है, बंद है। अब पूरा घूम के फिर से आना पड़ेगा हमें। यार ये अच्छा लग रहा है मुझे यार, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। हाँ हाथी दिखा देना, वैसे मैं ये दिखा रहा हूँ। तो अभी हमें जाना है एडमिन ब्लॉक, मतलब यहाँ पे चले अंदर। यार भूख लग गई मेरे को तो यार। अभी ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, मुझे लगी बहुत तेज वाली भूख। कितने बज गए? अरे इट्स ऑलरेडी 3 PM। तो भूख लगी क्या? बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा यार मुझे भी लगी भूख में, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ जाओगी? तो अभी हम लोग यहाँ से फ्री हो जाए, उसके बाद जो है लंच करेंगे। लंच करेंगे आज वाली जगह पे। तो अभी यहाँ का स्टाफ कहीं बाहर गया हुआ है, तो अपन कुछ पी के जाए, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, कॉलेज की पैटीज, कॉलेज की कैंटीन, मजा आएगा। कुछ भी नहीं खाऊंगी। क्यों? इसको लंच करना है इसलिए कुछ भी नहीं खा रही है। और लंच भी टीटू का ढाबा। चलो अपनी अपनी भूख को बढ़ा लो, उससे बात करेंगे, ठीक है? इतने सालों बाद हम लोग कॉलेज में आए भाई, ऐसा फील आ रहा है मतलब बिल्कुल स्टूडेंट वाला वो डर जो होता है ना, डर बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें तो अच्छा लग रहा है वाली, हमें डर, हाँ डर तो होता ही है, लेकिन एक वो नहीं होता है ऐसे पट्टियों पे बैठ जाते थे तो जहाँ जो करता था वहाँ मस्त मजे। टीचर्स आते थे तो उन्हें ऐसे सलाम। नहीं अभी अभी एग्जैक्टली हम लोग बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं। देखो यहाँ पे नीचे ये बनी हुई है पट्टी बैठने की, तो हम लोग वहाँ बैठे हैं। अभी अभी वो किसी को मतलब कॉल वगैरह कर रहे हैं, तो अभी उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। और मौसम आपके कॉलेज आए ना कभी, हाँ मैं कभी अपने वनस्थली लेके चलूंगी कॉलेज में। हाय 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 हाय। अपने को ये कार लेने जा रहे थे और इन्हें आलस आ रहा था क्योंकि वो इतनी दूर पार्क में है। जी देखो इनसे अकेले नहीं जाया जा रहा था, पीछे आए जब मेरी गाड़ी आधा रास्ता जाके पीछे आए और अब कह रहे हाँ अब तुम भी साथ चलो। जब गाड़ी वहाँ खड़ी तो ये बोल रही कि मैं गाड़ी यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो क्या हुआ, रास्ता यही है तो ला सकते हैं ना, साथ चलेंगे। अगर आप पहले ही काम कर लेते अपना तो हम ऐसे जो अब हम जा रहे हैं इंजीनियरिंग ब्लॉक। हाँ, सरकारी काम के लिए या फिर कॉलेज के काम के लिए आपको घूमना पड़ता है बिल्डिंग टू बिल्डिंग। बिल्कुल तो वो वाला जोन याद आ जाता, पहले कैसे घूम लेते थे एक बिल्डिंग से। ये वाला ब्लॉक बहुत दूर है तो हम लोग अभी जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, वापस जा रहे हैं गाड़ी से जाएंगे हम फिर से। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं आई अंडरस्टैंड सारे कॉलेजेस का अपना अपना सब अपने उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन जिसमें आप पढ़े होते हो जिसके आप एलुमनाई होते हो उसका आपके दिल में एक स्पेशल जगह होती है। वैसे ही सेम मेरे साथ वनस्थली विद्यापीठ के लिए है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा उस कॉलेज की मैं। और होंगे कुछ लोग जो जिन्हें नहीं भी अच्छा लगता होगा, उनके पर्सनल रीजंस होंगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आज मैं इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में मतलब उस जोर में चली गई हूँ ना, क्योंकि हमारा जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैंने जो पहली बार वनस्थली को देखा था तो हमें लगा था नहीं यार कहाँ हो गए, कैसा है ये। अच्छा मैं आपसे इतनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राहिल गए वहाँ कार लेने, ठीक है बैठ जाती हूँ मैं, ठीक है एक सेकंड। तो उस टाइम पे यहाँ हमें इतना चलना पड़ रहा है ना, तो ऐसे मैं राहिल से डिस्कस कर रही थी कि वनस्थली में हमें इतना चलना पड़ता था। अगर कोई भी वनस्थली की मेरी फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे होंगे ना वो रिलेट करेंगे कि वो कितना ज़्यादा हमें चलना पड़ता था। एक छोटे से काम के लिए हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, शिल्प मंदिर, सुर मंदिर और पता नहीं बहुत सारे मंदिर, लेकिन बहुत ज़्यादा चलाया। छुट्टियों के लिए हमें इतना ज़्यादा थकाया। स्टिल वनस्थली बिल्कुल बॉटम ऑफ द हार्ट्स, ठीक है। जो भी वनस्थली वाले हैं प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको वनस्थली की हॉस्टल लाइफ याद आती है कि नहीं आती है। खोलिए इसको। अरे मैडम कहाँ जा रही हो, पढ़ाने जा रही हो बच्चों को? लग रही हूँ टीचर, लग रही हूँ बिल्कुल, लग रही है चश्मा लगा के मस्त डॉक्यूमेंट लेके जा रही थी। आज बच्चों को फेल करूंगी। दैट इज द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि मेरा है। देखो जब तक राहिल काम करा रहे हैं देखते हैं क्या है। मुझे दूर से बहुत सुंदर लग रहा था। ये है काउंसलिंग ऑफिस, गेट खुला हुआ है ना, हाँ खुला हुआ है। लग अच्छे टाइल्स लगे हैं और आप ये देखो कितनी सुंदर है ना ये सब पेंटिंग है। ये देखो कितना अच्छा पेंट किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो राइल जब तक कुछ पूछा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ। और ये फ्रेशर्स पार्टी यार कैसी याद आ रही है कॉलेज की, बहुत अच्छे थे वो कॉलेज डेज। तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे और ये फ्रेशर्स पार्टी। ऐसा अपना टाइम याद आ गया है यार, बहुत कुछ याद आ गया है। कितना ऐसे प्रेप करते थे सीनियर्स के लिए, हमारे लिए बच्चों ने किया था। बहुत अच्छे थे कॉलेज डेज, खाना सब बन रहा है यहाँ पे, मस्त खाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका है कम्प्लीट। अब मतलब हमें लगा था कि हमें सेकेंड टाइम आना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत की और वो एक ही बार में हो गया। हमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी थे वो मिल चुके हैं। जस्ट अभी हम निकलने लगे हैं। अब बताओ आपको कितने हो चुके हैं, एग्जैक्ट टाइम हो चुका है 4:45। बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है, सुबह से बाहर निकले हुए। तो अब ये बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? टीटू द ढाबा। मैं आपको बताती हूँ मैं टीटू का ढाबा क्या है। टीटू का ढाबा मालवीय नगर में एक ढाबा है, जो मुझे राहिल ने पहली बार एक बार वहाँ कुछ लंच कराया था, है ना लंच था। एंड मैं फैन हो गई वहाँ की। मतलब आपको आएगी फीलिंग घर वाली, बहुत बढ़िया वहाँ का सब होता है टेस्ट वगैरह। इतना ज्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ कितना टेस्टी। आप मेरी चेहरे की खुशी देखो कि चमक आ गई मेरे चेहरे। अभी चलते हैं दिखाते हैं फिर। हाँ मैं आपको दिखाऊंगी वो एक अलग। मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था ना मुझे लगता था, मैं दाल मखनी की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ पहली बात तो, लेकिन जब मैंने वहाँ की दाल मखनी खाई ना उस दिन अपन फैन हो गए, अपन फैन हो चुके। ठीक है तो आज भी चलेंगे वहीं खाते हैं, बस जल्दी से पहुंचते हैं। रास्ते का जब तक आप मजा ले लीजिए। दोस्तों ये आ गई हमारी थाली। देखो ये राइस है, ये क्या है? आई थिंक पनीर बटर मसाला, ये है छोले, ये दाल, अचार, ये सलाद है और ये अचार है, ये गुलाब जामुन, ये दही का रायता, ये पापड़ है, रोटी अभी आ रही है लेकिन इसको सबर बिल्कुल नहीं होता है। ये देखो भाई बहुत तेज़ भूख लग रही है। देखो ये ढाबे का जो होता है ना स्वाद, वो बहुत अच्छा होता है। ये रहा ये वाला ढाबा, ये आ गई हमारी, ठीक है भैया, ये आ गया हमारा आलू प्याज पराठा। इसमें आलू है, नीचे वाला आलू प्याज है, अच्छा ओके, ये लच्छा है और नीचे वाला इसके अंदर आलू का पराठा है। भैया बहुत तेज़ भूख लगी है, अभी पहले खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट। हाँ जी चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है। जिस इम्पॉर्टेंट काम से हम लोग आए थे वो हो चुका है, थोड़ा लेट हो चुके हैं हम। इट्स ऑलमोस्ट 6 मतलब हाँ 6 बजने को है, ठीक है? और हम सब सुबह 12 बजे के निकले हुए हैं और अभी घर जा रहे हैं बस, और 6 अभी यहीं बज चुके हैं। अभी मैंने रास्ते में इतना खूबसूरत सनसेट देखा, बस शूट नहीं कर पाई। अगर मुझे फिर से व्यू दिखेगा ना, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। हाँ थोड़ा लेट हो गए लेकिन काम हो गया है वो ज़रूर है। चलिए आपसे मिलते हैं घर पहुँच के। ये देखो ये आ गए पुष्पा वाले ट्रक्स। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं। हालत देख लो कितने बुरे, थक चुके हैं अभी, ठीक है? नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ मैं क्या बता रही थी, अब मैं थकान का आलम आपको दिखा देती हूँ। मेरे चेहरे से इतना नहीं समझ आएगा। ये देखो यहाँ कैसे लेट हो गए, और मैं दिखा देती हूँ बच्चों से क्या करवा रहे हैं। तो क्या कर रही हो आप? दबाओ दबाओ दबाओ, पैर दबा रही हो मामा के, दबाओ दबाओ दबाओ, रुको नहीं, चलो फास्ट। और वो किसने दिलाया था आपको पिंक वाला? ये तो दिखा दो। अरे वाह, ये दीपा का है। अद्दू इस पे ये कलर बताओ तो कौन से कलर का है? बिल्ली, ये ब्लू है। हाँ और ये पिंक है। हाँ और इसकी टंग कौन से कलर की है? ये ऑरेंज। अरे वाह, और ये मुंह कौन से कलर का है इसका? ये। हाँ अरे वाह, और आइज 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 बता दो। ये ना ब्लैक। अरे वाह, और ये ना हाँ वाइट। अरे वाह, और ये वाला भालू। चलो चलो पैर दबाओ, रुको नहीं। अरे हो गया कलर, पैर दबाओ, चलो आप पे जाओ। हाँ अबे ना हाँ जल्दी से दिखाओ। ऐसे थोड़ी, ये तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया। सीधे ऐसे। अरे वाह, टीचर लग रही हो आप तो। टीचर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? अरे वाह वाह वाह, तू क्या बात है, अच्छा लग रही हो, अच्छी लग रही हो। अद्दू मेरा फोन का कवर अच्छा है ना? बोलो गंदा, बोल दो, बोलो गंदा है, बोल दो। अद्दू बताओ मेरा कवर कैसा है? अच्छा, अच्छा है क्या? और इसमें मिरर भी है क्या? देखो तो। अद्दू काय की आवाज थी? फूकी फूकी। किसने किया? मामी ने किया। किसने किया? मामा ने। ये मामा ने किया। मैंने किया। किसने किया है बेटा? फू। अच्छा काय की आवाज, काय की आवाज थी? फूकी। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल की वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए राहिल मुजाहिद व्लॉग्स का, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।